बारह मटकों की कहानी। सिम्हापुरी नामक महासाम्राज्य का विक्रमार्का नामक राजा था। उनको ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करके अपने महल में सजा के रखना बहुत पसंद था। उनके पास कई देशों के कई बहुमूल्य ऐतिहासिक चीजें थे। उनके पास अरेबिया देश के 12 मटके थे। उन मटकों को वो बहुत सावधानी से रखा करते थे। एक बार एक सैनिक ने गलती से एक मटके को तोड़ दिया तो राजा आग बबूला हो गया। अरे मूर्ख, तू अंधा है क्या? जानता है वो कितना बहुमूल्य है? कितने मुश्किल से मैंने इन मटकों को पाया है। सेनापति, इसे ले जाइए और कल सुबह सबके सामने फांसी पे चढ़ा दीजिए। यही इसकी सजा है। आइंदा कोई भी इन मटकों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। फिर उस सैनिक को वहां से कारागार ले गए। कुछ देर बाद एक ऋषि उस राजा से मिलने आए। राजा ने कहा, मुनिंद्रा आप कौन है? हमारे राज्य में आने का कारण बताएंगे? ऋषि ने कहा, महाराजा आपको ऐतिहासिक चीजों से लगाव है, ये मुझे पता चला। आज सुबह एक सैनिक ने आपकी एक मटकी तोड़ी, मुझे पता चला इससे आपको बहुत ठेस पहुंचा होगा। टूटी हुई कोई भी चीज को जोड़ना मुझे आता है। आप अगर अनुमति दे तो मैं उस मटके को जोड़ने का प्रयत्न करूं। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है आपने। जब से वो टूटा है मन कचोट रहा है। लगता है भगवान ने ही आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। ये देखिए यहीं पड़े हैं सब, दया करके उन्हें जोड़ दीजिए। तब उस ऋषि ने अपने कमंडल से सारे मटकों को एक एक करके तोड़ दिया। ये देख के सारे आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने आग बबूला होके कहा, अरे मूर्ख ये क्या कर दिया तूने? तूने क्या कहा था और तूने क्या किया? ऋषि ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने जानबूझ के ये काम किया। पता है क्यों? एक मटकी टूटने पर आप एक मनुष्य का प्राण लेने जा रहे थे। मैंने 11 मटकों को तोड़ के 11 मनुष्यों का प्राण बचाया। अब आप अगर मुझे मृत्यु दंड भी दे दे मुझे स्वीकार है। मैं खुश होऊंगा ये जान के कि मेरे जीवन दे के मैंने 11 प्राणों को बचाया है। तब महाराज को विषय समझ में आई। उन्होंने कहा, महामंत्री उस सैनिक का सजा को रोक दीजिए। मुनीश्वर मुझे माफ कर दीजिए। मिट्टी से बने हुए इन मटकों के प्यार में मैं एक प्राण लेने वाला था। मनुष्य का प्राण का मोल मुझे आपने समझाया है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मुनीश्वर ने कहा, बहुत अच्छे महाराज, सुन के खुशी हुई। वस्तुओं से प्यार अच्छी बात है, पर वो प्यार जरूरत से ज्यादा हो तो बुरी बात है। मेरी करनी से आपको दुख पहुंचा हो तो माफ कीजिएगा। ये कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। उसके बाद से राजा को अपने वस्तुओं से प्यार थोड़ा कम हुआ, पर वो बहुत खुश थे। तो बच्चों, निर्जीव वस्तुओं से बहुत ज्यादा प्यार करना ठीक नहीं। इस दुनिया में इंसान के प्राण से बहुमूल्य चीज और कोई नहीं। पसंद आया आपको ये कहानी?